नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस बार 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो अगर आगे चलकर एडमिट कार्ड में कोई भी गलती हुआ तो उसको सुधार करना नामुमकिन हो जाता है। और आप पढ़ने में भी कितना भी तेज़ क्यों न रहे, लेकिन जब आपके अंदर ये गलतियाँ निकल जाती है ना, तो उसको सुधार कराने के लिए इधर जाते हो उधर जाते हो और कोई भी सुधार उसमें नहीं होता है, जिसके चलते आपका पढ़ाई बहुत बेकार हो जाता है, ठीक है ना, उसी के चक्कर में। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि जो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कब जारी होगा और आप लोग जारी हुआ है तो आप कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना, इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी बात पहले ध्यान से पूरा सुनना। दोस्तों मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं कि जिन विद्यार्थियों का 9th क्लास में पिछले साल रजिस्ट्रेशन छूट गया था, अगर कोई भी विद्यार्थी है उसमें से तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर देना, ताकि आप लोग के लिए भी मैं कुछ कर सको। क्योंकि आपको पता है कि अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 9th क्लास में ही हो जा रहा है फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो जिन विद्यार्थियों का पिछले साल 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन छूट गया था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि लाइव वीडियो में वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप सबको पता है कि सभी विद्यार्थी 9th क्लास में ही इसके पिछले साल रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो आखिर में रजिस्ट्रेशन जब आप कराए हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है आप लोगों का, और आता है हर साल आता है, इस बार भी आने वाला है। और उस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपको ये चेक करना होता है कि जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे तो उस समय हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट फिलअप किए थे, डॉक्यूमेंट में माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, एड्रेस वगैरह जो भी हम भरे थे, क्या वो सही सही इस पर छपा हुआ है। यही दोस्तों मिलान करने के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड दोस्तों जारी होता है, जिसका नाम होता है डमी पंजीयन पत्रक, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। और जिस भी विद्यार्थियों को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहीं से आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग एक बार जाकर कोशिश जरूर करना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो, और ऐसे आप लोगों को ना जब डाउनलोड करिएगा या फिर स्कूल में भी जाइएगा ना, तो ऐसे आप लोगों को मिलेगा, तो सबसे पहले आप अपना नाम देखना। नाम तो सही है लेकिन अगर स्पेलिंग में गलती होता है तो उसे काट कर सही लिखिएगा। अगर माता के नाम में कोई गलती होता है उसे भी सही लिखिएगा। पिता का नाम देखिएगा, जन्म तिथि देखिएगा, फिर यहाँ पर रेगुलर है कि नहीं ये देखिएगा, और राष्ट्रीयता इंडियन है कि नहीं ये देखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम देख लीजिएगा, विद्यालय का नाम ऑलरेडी सही होगा। और अपना विषय देख लेना, विषय में क्या रहेगा। उसके बाद से यहाँ पर बहुत लड़कों का ना मेल के जगह फीमेल हो जाता है, फीमेल के जगह मेल हो जाता है। और कोटी में दोस्तों एसटी हो जाता है, एससी हो जाता है, किसी का जनरल का ओबीसी हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। और धर्म में देख लेना, हिंदू की जगह मुस्लिम नहीं ना है, मुस्लिम की जगह हिंदू नहीं ना है, ये आपको सब मिलाना होता है एक एक स्पेलिंग। उसके बाद दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कंपल्सरी विषय है वो आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश रहेगा। लेकिन जो ये दो विषय का आप चयन किए होंगे, अगर आप हिंदू हैं तो संस्कृत हिंदी का चयन किए होंगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो उर्दू और नन हिंदी का चयन किए होंगे, बाकी आपका जो भी विषय है और आप लोग चेंज किए मतलब ना सेलेक्ट किए होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसको मिलाना और यहाँ पर मिलाना। बहुत लड़कों का यहाँ तक कि इस फोटो में चेंजिंग हो जाता है, तो बाबू अपना फोटो भी मिला लेना कि आपका फोटो है कि नहीं है। काफ़ी लड़के को परेशानी होती है कि ये मेरा फ़ोटो नहीं है, अब हम का करें, तो उसी समय आपको सुधार करने का एक मौका मिलता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले साल 7 तारीख 6वां महीना में ही जारी कर दिया गया था दोस्तों आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करने के लिए, सुधार करने के लिए, देखने के लिए। लेकिन इस बार दोस्तों लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि 11th क्लास के छात्रों का अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ है, तो बताओ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। बताया गया है दोस्तों कि अगस्त के महीने में बहुत कुछ आप लोगों का आने वाला है। अगस्त में ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, अगस्त में ही सब मेरिट लिस्ट जारी होगा। और यहां पर दोस्तों एक और जानकारी आपको बताना है कि जो आप लोगों का परीक्षा फॉर्म है ना, वो दोस्तों आज कल में आने वाला है। परीक्षा फॉर्म आज कल में आने वाला है, तो सब लोग तैयार रहना। और मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को कैसे अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करना है।
है। तो सबसे पहले अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिए अपने अपने मोबाइल में। जो लोग नहीं ओपन कर पाएंगे, सर्च करने में दिक्कत होती है, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले गूगल में जाते हैं और ओपन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सब चीज़ के बारे में जानकारी बता दिया गया है, जो जो आपको नहीं समझ में आएगा सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर आइएगा, सर्च करिएगा स्टडी प्लस ऑफिशियल, studyplusofficial.com। हमारे चैनल के ही नाम से ये भी है, studyplusofficial.com। आप लोग जैसे ही लिख कर सर्च करते हैं तो आप लोग के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसी पेज में दोस्तों आपको फर्स्ट में ही दोस्तों देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट में ही देखिएगा। तो यहाँ पर डमी मैट्रिक या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ऐड को काट दीजिएगा। उसके बाद से आपको एक एक जानकारी यहाँ पर बता दिया गया है, कोई भी आपको दिक्कत हो यहाँ पर आप लोग अपना मन से पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाइएगा, जो भी आपको न समझ में आए कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ बता दिया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल साइट दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया और रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का ये लिंक दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूँ, अभी रजिस्ट्रेशन जिनका छूटा हुआ है ना उनका भी टाइम है। और यहाँ पर देखिए, जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो जो मांगेगा वो आप लोग फिलअप कर देना। जैसे कि नाम मांगेगा, पिता का नाम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, स्कूल कोड मांगेगा, इन्हीं सब के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको हर चीज़ के बारे में अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना। जैसे ही इसके बारे में कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले आपको ही बताऊँगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को पहले वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, फिर आपको कुछ भी कमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आप लोग को ये जानकारी बताना चाहता था कि आपका आज नहीं तो कल ये आपका जारी होने ही वाला है, ठीक है। तो इस बात से आप लोग थोड़ा सा इस बात को लेकर सीरियस रहिएगा, और इसी मतलब न बात को लेकर चिंतित हमेशा करिएगा कि आएगा तो सबसे पहले हमको यही काम करना है। नहीं तो पता चलेगा कि आजकल बहुत भीड़ लग रही है बिहार बोर्ड में, क्योंकि कभी मेरिट लिस्ट आएगा तो कभी आप लोग का आएगा, कभी परीक्षा फॉर्म आएगा, इसमें 9th का रजिस्ट्रेशन कार्ड शुरू हो चुका है। तो कब क्या आता है नहीं आता पता चलता है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ताकि कम से कम आज तो पता चल जाए कि हाँ बहुत जल्द आने वाला है, आजकल आने वाला है। और उसके बाद से आप लोगों को मैं सब कुछ जानकारी देता ही रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है ना।